हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर्स के बारे में। वेटेड इंडेक्स नंबर की इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, जिसमें हम थ्री मेथड्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास होगा लास्पेयर, सेकेंड होगा पाशे एंड थर्ड मेथड होगा फिशर्स मेथड। सो इन तीनों ही मेथड्स को यूज़ करते हुए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है कि इन मेथड्स को कैसे अप्लाई करना है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसकी हेल्प से आपको इंडेक्स नंबर का चैप्टर कभी भी नहीं भूलेगा और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इन मेथड्स को लेके आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें आपके लिए एक ऐसे ट्रिक है जो कि आपको आपकी उम्र तक नहीं भूलेगी। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सिंपल इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी वीडियो नहीं देखी, जो कि फर्स्ट पार्ट है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाकर एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको इंडेक्स नंबर का बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता, तो ये हाई लेवल के क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन अपेयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक आपको मिल जाए। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा थ्रेटिकल बेस इसका अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए कि वेटेड इंडेक्स नंबर आखिर है क्या। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि वेटेड इंडेक्स नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास आता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और सेकंड हमारे पास आता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट यानी कि वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को यूज करते हुए लास्पेयर, पाशे एंड फिशर्स मेथड अप्लाई करेंगे। और दोबारा बता रहा हूँ कि ये ऐसी ट्रिक है जो कि आपको कभी भी नहीं भूलेगी, और ये इतनी सिंपल ट्रिक है कि आपको बस एक सिंपल सी लाइन लर्न करनी है। बस उसको लर्न करने के बाद किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप उसको अप्लाई कीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है उसका बेस भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। सो यहाँ पर हमें कहा गया है, अंडर वेटेड इंडेक्स नंबर अलॉन्ग विद द प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड बेस ईयर द क्वांटिटी ऑफ बोथ द ईयर्स वाज आल्सो गिवन। सो अगर आपने इंडेक्स नंबर का फर्स्ट पार्ट देखा है, यानी कि सिंपल इंडेक्स नंबर देखा हुआ है, तो आपको ये पता होगा कि सिंपल इंडेक्स नंबर में आपको वेट्स नहीं गिवन होते थे, आपको सिर्फ करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का प्राइस गिवन होता था। लेकिन वेटेड एवरेज मेथड में आपको क्या होगा, या फिर वेटेड इंडेक्स नंबर में आपको क्या दिया होगा, प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर के साथ साथ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर दोनों दी होंगी, और वो क्वांटिटी हमारे लिए क्या होंगी, वेट्स, एंड दीज क्वांटिटी विल एक्ट एज द वेट्स फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर्स। सो ये डिफरेंस है सिंपल इंडेक्स नंबर में और वेटेड इंडेक्स नंबर में। सिंपल इंडेक्स नंबर में हमें करंट और बेस ईयर दोनों का सिर्फ प्राइस दिया होता था, लेकिन वेटेड इंडेक्स नंबर में क्या है, हमें वेट्स भी दिए होंगे। सो इतना सा डिफरेंस है। वेटेड एवरेज मेथड में जो बेसिक थ्री फॉर्मूलाज हमारे पास आते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिए, फर्स्ट हमारे पास आता है लास्पेयर, सेकंड पाशे एंड थर्ड हमारे पास आता है फिशर्स मेथड। सो इन तीनों मेथड्स को कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है, और वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या ट्रिक है जिसकी हेल्प से आपको ये फॉर्मूलाज कभी नहीं भूलेंगे। इकोनॉमिक्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में इतने सारे फॉर्मूलाज हैं कि स्टूडेंट्स को हर एक फॉर्मूलाज लर्न नहीं रहते, लेकिन अगर हर एक फॉर्मूला के साथ एक सिंपल सी ट्रिक अप्लाई कर दी जाए, तो वो फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रह सकता है। सो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है, फॉर्मूलाज आपको याद नहीं रहते, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरी वीडियोस को देखना है, उसमें जो ट्रिक आपको बताई गई है उसको रिमेम्बर रखना है। अगर वो ट्रिक
रिमेंबर रह गई और वो ट्रिक आपको समझ आ गई, तो कभी भी वो आपको फॉर्मूला नहीं भूलेगा। सो चलिए, इंडेक्स नंबर में या फिर वेटेड इंडेक्स नंबर में क्या ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है वो हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आती हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। P1 जिसका मतलब होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 जिसका मतलब होता है प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर या फिर बेस ईयर, Q1 जिसका मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, Q0 जिसका मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। सो अगर आपको 2010 और 2015 दो ईयर्स दिए गए हैं तो सिंपल है, 2010 आपका होगा बेस ईयर और 2015 आपका होगा करंट ईयर। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मूलाज। सो तीनों ही मेथड्स के लिए जो फॉर्मूलाज हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी इतने फॉर्मूलाज हैं, आपको हर एक चैप्टर के अगर फॉर्मूला लर्न करने के लिए दे दिए जाएं तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको इतने सारे फॉर्मूलाज लर्न नहीं हो पाएंगे। सो आपको इसमें फॉर्मूला लर्न नहीं करना, आपको वो ट्रिक सीखनी है जिसकी हेल्प से आपको ये फॉर्मूलाज हमेशा के लिए लर्न रह जाएं। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है लास्पेयर का, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है समेशन ऑफ P1Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0Q0 मल्टीप्लाई 100। सेकेंड हमारे पास आता है पाशे का मेथड, समेशन ऑफ P1Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0Q1 इनटू 100। और लास्ट हमारे पास आता है फिशर्स मेथड, जिसमें हमें क्या करना है, जो फॉर्मूला फर्स्ट हमारे पास है यानी लास्ट पेयर का और जो सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है जो कि है पाशे का, उन दोनों को यूज़ करने। सो ये हमारे पास फर्स्ट और ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला, इन दोनों को यूज़ करना है, अंडर रूट लगा के मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। सो अब हम बात कर लेते हैं मेन हाईलाइट की, जो कि है ट्रिक। सो सिंपल सी ट्रिक इतनी है कि P1Q0, इसमें आपको क्या याद रखना है, 1000, 1000। 1000 का मतलब है 1000। ऐसे करने से आपको फॉर्मूला हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल है, समेशन तो दोनों में आ रहा है, जबकि हम ये कह सकते हैं समेशन तो सभी में यूज़ हो रहा है। सो समेशन साइन सब में यूज़ हो रहा है, इसलिए ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। PQ और PQ ये तो सभी में यूज़ हो रहा है, तो ये भी आपको रिमेंबर रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिमेंबर क्या रखना है कि P के साथ 1 है कि 0 है, उसको रिमेंबर करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार रॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी ने लिख दिया P1Q1, यहाँ पर P0 और Q0, तो फॉर्मूला आपका रॉन्ग हो गया तो आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। सो ट्रिक क्या है, आपको 1000 याद रखना है किसके मेथड के लिए, लास्पेयर मेथड के लिए 1000। इसका मतलब P के साथ 1 लगेगा, Q के साथ 0, P के साथ 0 और Q के साथ भी 0। ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड मेथड में यानी पाश्य मेथड में आपको क्या याद रखना है, 1101, मतलब P के साथ 1, Q के साथ 1, P के साथ 0, Q के साथ 1। अगर जर्नल तौर पर आपको ये फॉर्मूला दे दिया जाए तो आपको ये रिमेंबर करना डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप कि किसके साथ 1 और किसके साथ 0 लगाना है। अगर आपको ये रिमेंबर करने के लिए कह दिया जाए कि L के लिए 1000 है और P के लिए 1101 है, तो ये आपको रिमेंबर रह सकता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल वर्ड्स हैं। सो इसीलिए ये सिंपल से ट्रिक है जिसको यूज़ करते हुए आपको ये फॉर्मूला लर्न रखने हैं, और अगर एक बार फॉर्मूला लर्न हो गया तो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना भी ईजी है। लास्ट फिशर्स मेथड तो सबसे इजी है, क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है एल और पी का, एल के लिए हमें यूज़ करना है 1000 और पी के लिए यूज़ करना है 1101। सो अगर एल और पी दोनों का फॉर्मूला लर्न हो गया तो फिशर्स का फॉर्मूला तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो ही जाएगा। सो ये थी हमारी सिंपल सी ट्रिक जो कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। अगर आपको ऑलरेडी पता है देन इट इज़ ओके, अगर नहीं पता तो आई थिंक कि ये आपके लिए कुछ तो हेल्पफुल होगी। सो चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये अप्लाई करके देखते हैं
ताकि उन स्टूडेंट्स को जिनको ये भी नहीं पता कि प्रैक्टिकली क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रेफ़र किया कीजिए, उनके साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक दोनों में ही मेरा जोली कोचिंग आईडी है, उसमें भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्राइस ऑफ द आइटम्स इन द ईयर 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सो हमें डाटा दिया गया है, फर्स्ट हमारे पास आता है आइटम्स यानी कमोडिटीज का नेम ए बी सी डी एंड ई। उसके बाद हमारे पास टू ईयर्स दिए गए हैं 2004 एंड 2011। सो 2004 हमारा क्या होगा, बेस ईयर। बेस ईयर क्यों, क्योंकि ये 2011 से प्रीवियस ईयर है, पुराना ईयर है, पिछला ईयर है। सो हमेशा याद रखना है जो आपको प्रीवियस ईयर दिया जाएगा यानी कि ओल्ड ईयर दिया जाएगा वो हमारा बेस ईयर होगा, और जो करंट ईयर चल रहा होगा मतलब लेटेस्ट वन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, करंट ईयर। तो सबसे पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि बेस ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको ईयर्स ही दिए हो सकता है आपको ऑलरेडी बताया हो P1 एंड P0, Q1 एंड Q0 ऑलरेडी दिया हो। सो अगर P1 लिखा है तो वो करंट ईयर है, Q1 लिखा है तो वो भी करंट ईयर है, P0 लिखा है एंड Q0 लिखा है तो वो बेस ईयर है। सो इसमें सबसे पहले हमें, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा P1, Q1, P0 और Q0 क्या है। सो ये हमारे पास बेस ईयर है। सो बेस ईयर में प्राइस हमारे पास गिवन है, सो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, P0। और बेस ईयर का ही क्वांटिटी यानी कि वेट समय गिवन है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, Q0। ऐसे ही करंट ईयर में हमें प्राइस गिवन है तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, P1। और करंट ईयर में ही हमें क्वांटिटी यानी कि वेट्स गिवन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q1। सो इसको सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड यानी कि लास्पेयर मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये डाटा हम दोबारा से यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए, प्राइस ऑफ बेस ईयर जो कि हमें गिवन है, यहाँ से देख के हम दोबारा यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। सो 10, 35, 30, 10 एंड 40। नेक्स्ट हमें गिवन है Q0, 10, 3, 5, 20 एंड 2। P1, 20, 40, 28 एंड 40। Q1, 25, 10, 15, 25। इतना करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा वो ये है कि आपने सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन करना है। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1000। आपने 1000 याद रखना है, समेशन पी क्यू ओवर समेशन पी क्यू मल्टीप्लाई 100। सो 1000 का मतलब है 1000। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास ट्रिक है। अब अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्मूला को वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट हमें कह रहे हैं कि हमें समेशन करना है P1 एंड Q0 का, मतलब P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो टोटल आएगा वो हमें सबसे पहले चाहिए। सो जब भी स्टैटिस्टिक्स के कोई भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ तो हमेशा ये कहता हूँ कि आपको फॉर्मूला लर्न रखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टैटिस्टिक्स में कभी भी आप अपनी तरफ से स्टेप्स फॉलो नहीं कर सकते, जैसा फॉर्मूला है वैसे ही स्टेप्स आपको डिज़ाइन करने पड़ेंगे, आप स्टेप्स को रट नहीं सकते, लर्न नहीं कर सकते। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करना। सो क्वेश्चन में हमारे पास P1 गिवन है, ये रहा, Q0 गिवन है, ये रहा। सो इसका मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं P1 एंड Q0। सो P1 मल्टीप्लाई Q0 यानी 20 मल्टीप्लाई 10, फर्स्ट आ जाएगा 200। नेक्स्ट 40 मल्टीप्लाई 3,
120, 20 मल्टीप्लाई 5 100, 8 मल्टीप्लाई 20 160, 40 मल्टीप्लाई 2 80। सो ये हमारे पास आ गया P1 एंड Q0 को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इसका समेशन। समेशन मतलब टोटल। सो P1 और Q0 का टोटल यानी 200 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 160 प्लस 80, ये हमारे पास आ जाएगा 660। ऐसे ही आपको सेकंड स्टेप भी फॉलो करना है। और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका टोटल हमें चाहिए। सो P0 एंड Q0, सो ये हमारे पास है P0 और ये हमारे पास है Q0। सो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं P0 एंड Q0, 10 मल्टीप्लाई 10 100 आ जाएगा, 35 मल्टीप्लाई 3 सो ये हमारे पास आ जाएगा 105, 30 मल्टीप्लाई 5 150, 10 मल्टीप्लाई 20 200, 40 मल्टीप्लाई 2 ये हमारे पास आ जाएगा 80। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके जो आया उसका हमें क्या चाहिए, समेशन। सो टोटल हमारे पास आएगा 635। बस इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है। फर्स्ट 660, सेकंड 635 मल्टीप्लाई 100। सो डिवाइड करके जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 103.94। आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा कि आपने प्रैक्टिकली स्टेप्स कैसे अप्लाई करने हैं। ऐसे ही अब हमें सेकंड मेथड यानी पाशेज मेथड से इसको सॉल्व कर देना है। सो ये हमारे पास सेम क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें सेकंड मेथड अप्लाई करना है, पाशेज मेथड। इसके लिए भी सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए यानी ट्रिक पता होनी चाहिए, समेशन पी क्यू एंड समेशन पी क्यू मल्टीप्लाई 100। सो इसकी ट्रिक हमारे पास थी 1101। सो 1101 यानी P1 Q1 P0 एंड Q1। सो इसमें भी सेम वही स्टेप फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, P1 एंड Q1 को मल्टीप्लाई करके उसका जो टोटल आएगा वो हमें चाहिए। सो यहाँ पर हमें P1 और Q1 देखना है। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है P1 और ये रहा हमारे पास Q1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें सबसे पहले। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं P1 एंड Q1। सो फर्स्ट हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई 25। सो फर्स्ट हमारे पास आएगा 500, देन 40 इंटू 10 400, 20 इंटू 15 300, 8 इंटू 20 160, 40 इंटू 5 200 और इसका टोटल करने के बाद हमारे पास आएगा 1560। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, P0 मल्टीप्लाई Q1 उसका टोटल। सो P0 हमारे पास ये रहा और Q1 हमारे पास है यहाँ पर। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं P0 एंड Q1। सो फर्स्ट हमारे पास है 10 इंटू 25। सो ये हमारे पास आएगा 250। नेक्स्ट हमारे पास है 35 इंटू 10 350, 30 इंटू 15 ये आएगा 450, देन 10 इंटू 20 200 और लास्ट हमारे पास है 40 इंटू 5। सो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 200। इसका टोटल करने पर हमारे पास आएगा 1450। सो कैलकुलेशंस के बाद हमें इसको फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है। फर्स्ट हमारे पास है 1560 डिवाइडेड बाय 1450 इंटू 100। सो डिवाइड करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 107.59।
सो सिंपल सी ट्रिक आपको बताई है, इसी ट्रिक को आपने याद रखना है और आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं जैसे आपको बताया गया है। लास्ट हमारे पास है फिशर्स मेथड, और फिशर्स मेथड तो सबसे इजी है। फिशर्स मेथड में हमें क्या करना है, एल इंटू पी, जहां पर एल का मतलब है लास्पेयर एंड पी का मतलब है पाशे। सो दोनों के जो फॉर्मूलाज है वो हमें यूज करने हैं यहां पर और आंसर फाइंड आउट करने हैं। इसको हम दो डिफरेंट वेज हैं जिससे हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फिशर्स मेथड को हम दो वे से अप्लाई कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मेरे अकॉर्डिंग जो फर्स्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा वही इजी है और आपको वही यूज़ करना चाहिए। सो हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट एल इंटू पी। इसमें आपको दोबारा से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पेपर में तीनों ही मेथड्स आ जाते हैं तो लास्ट मेथड जब आप फिशर्स अप्लाई करोगे तो आपको L और P को दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपने फर्स्ट मेथड अप्लाई किया था तो उसमें आपका आंसर आया था 103, सो 103.94। सो डायरेक्टली आप यहाँ पर आंसर मेंशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई P, और P का आंसर जो आपके पास आया था वो था 107.59, और इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आपके पास आंसर आया था, इसके अंडर रूट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 105। और सेकंड मेथड या फिर सेकंड वे आपके पास क्या है फिशर्स मेथड को अप्लाई करने का, एल इंटू पी मल्टीप्लाई 100, जिसमें आपको एल का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब समेशन ऑफ पी क्यू, समेशन ऑफ पी क्यू जो कि है 1000, और पी का भी पूरा फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, समेशन ऑफ पी क्यू, समेशन ऑफ पी क्यू, और इसमें आपके पास है 1101, और यहां पर आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। सो मेरे अकॉर्डिंग इतनी सारी कैलकुलेशन करने की बजाय आपको डायरेक्टली आंसर मेंशन करके यहां पर लिख देना चाहिए, और अगर आपको ये मेथड ठीक लगता है तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि अगर आप डायरेक्टली आंसर यूज करते हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर आप पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सो दोबारा से पी वन इंटू क्यू जीरो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था और हमारे पास आंसर आया था 660। पी जीरो क्यू जीरो का आंसर आया था 635। ऐसे ही पी वन और क्यू वन का आंसर आया था 1560, और पी जीरो क्यू वन का आंसर आया था 1450 इंटू 100। सो ये हमारे पास आएगा 1.03, इसको सॉल्व करने पर मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 1.07 मल्टीप्लाई 100। सो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1021 मल्टीप्लाई 100। अंडर रूट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.05 इंटू 100। सो 100 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 105। सो ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर 6 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है तो ये मेथड आप अप्लाई कर दीजिए ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंथी हो जाए, और अगर कम मार्क्स में आपको आता है 4 मार्क्स में तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और इतनी सारी कैलकुलेशन से बच जाइए। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।